हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वाहनों की स्टीयरिंग साइड में क्यों होती है, बीच में क्यों नहीं। तो ये जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखें। भारत में हम अक्सर सड़क पर दौड़ती हुई कार, बस या ट्रक को देखते हैं। सबके स्टीयरिंग राइट साइड में होते हैं। सवाल यह है कि इन वाहनों में स्टीयरिंग बीच में क्यों नहीं होता। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या बस एक परंपरा थी जो शुरू हो गई और आज तक पालन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह परंपरा अंग्रेजों के ज़माने में शुरू हुई थी। कुछ देशों में जहां अंग्रेजों का राज नहीं था, वहां कार का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड होता है। लेकिन सवाल यह है कि आज़ादी के बाद भी इंजीनियरों ने स्टीयरिंग को अपने हिसाब से लेफ्ट या राइट क्यों नहीं रखा। और मूल सवाल तो अभी भी वही है कि स्टीयरिंग बिल्कुल बीच में क्यों नहीं होता है। दरअसल यह फैसला वाहनों के काफ़ी लंबे अनुभव के बाद लिया गया। आपको याद दिला दें कि ऑटो रिक्शा में आज भी ड्राइवर वाहन के बीच में बैठता है। पुराने समय में शहर के अंदर यातायात के लिए बग्घियों का उपयोग किया जाता था। यह प्राचीन काल में उपयोगी किए जाने वाले रथ का मॉडिफाइड एडिशन था। इनमें ड्राइवर बिल्कुल बीच में बैठता था। इंजीनियर्स ने जब कार बनाई तो ध्यान में आया कि आगे वाली पूरी सीट ड्राइवर के लिए रिजर्व करना बेवकूफ़ी होगी। ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बनाई जा सकती है। बस यही लॉजिक है कि ड्राइवर की सीट सेंटर से बदलकर साइड में कर दी गई। थोड़ा इतिहास के पन्ने को पलट कर देखेंगे तो उन दिनों बग्घियों में भी चालक के साथ एक और सहायक को बिठाया जाने लगा था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सब लड़ाई झगड़े की वजह से है। जी हाँ, बात यह है कि जब तक आदमी लड़ता झगड़ता नहीं था तब तक सब सही था। लेकिन फिर वो साथ में तलवार लेकर चलने लगा। अब ज़्यादातर लोग राइटी होते हैं तो ज़्यादातर तलवार व दाएं हाथ से तलवार चलाते थे, और इसलिए जब वो घोड़ा लेकर सड़क पर निकलते तो सड़क की बाईं ओर चलते ताकि आगे से आने वाले व्यक्ति को उनकी दाई तरफ से ही गुजरना पड़े। अगर वो दुश्मन निकलता तो उस पर आसानी से वार किया जा सकता था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि स्टीयरिंग ही नहीं, हेडलाइट में भी दाएं बाएं का चक्कर होता है। बाईं तरफ चलने वाले देशों में कार का स्टीयरिंग दाईं तरफ होता है, इन्हें राइट हैंड ड्राइव कहा जाता है। दाईं तरफ चलने वाले देशों में कारें लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं। ट्रैफिक की दिशा का स्टीयरिंग के अलावा हेडलाइट पर भी फर्क पड़ता है। गाड़ियों की हेडलाइट सीधी नहीं होती है, सामने से आ रहे ड्राइवर की आंखें न चौंधिया जाए इसलिए उन्हें थोड़ा तिरछा रखा जाता है। बाएं से चलने वाले देशों में गाड़ियों की हेडलाइट बाईं ओर झुकी होती है, और दाएं तरफ चलने वाले देशों में दाईं तरफ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।